22 जनवरी 2024 को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम है। राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए सैकड़ों वर्षों का संघर्ष चला। इस दौरान जिन लोगों ने अपने अटल संकल्प से राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, उनमें एक बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी भी हैं। आज जोशी जी का जन्मदिन है, तो आइए बात करते हैं मुरली मनोहर जोशी की। बता दें कि एक समय था जब बाबरी विध्वंस के आरोपियों की सूची में मुरली मनोहर जोशी का भी नाम शामिल किया गया था। विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी किया और वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री भी बने रहे। बाबरी विध्वंस मामले के आरोप पत्र के हवाले से लिखा, जांच के अनुसार मुरली मनोहर जोशी ने 1 दिसंबर 1992 को मथुरा में अयोध्या जाते समय कहा था कि कोई ताकत राम मंदिर निर्माण को रोक नहीं सकती और वह मंच से कार सेवकों को प्रोत्साहित कर रहे थे। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे के विध्वंस के लिए और भड़काऊ नारे लगा रहे थे। हालांकि 2020 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट का फैसला आया, यह बात निराधार साबित हुई। कोर्ट ने कहा कि आडवाणी हूँ या जोशी, सभी बड़े नेता उग्र भीड़ से अपील कर रहे थे कि वह कुछ भी गैर कानूनी काम न करें ताकि निर्धारित कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। आपको कैसी लगी ये खास कवरेज, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल रफ्तार को फॉलो करना ना भूलें।